हेलो दोस्तों, आज जो आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगर कैसा होगा अगर दोस्तों आप एक साल की कड़ी मेहनत के बाद में आप 4000 घंटे वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लें और आप चैनल मोनेटाइज के लिए अप्लाई करें और आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाए 7 दिन में, पर उसके 1 दिन बाद आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाए और चैनल डिलीट होने की कगार पर आ जाए तो क्या होगा दोस्तों? आपकी सारी मेहनत पानी में। ऐसा ही कुछ हुआ है दोस्तों इस भाई के साथ में जिसका नाम है मुकेश सहनी। इनका यूट्यूब चैनल है गेमिंग पर, जिसमें कॉमेडी प्लस गेमिंग करते हैं, उसमें गरीब एमएस गेमिंग करके। दोस्तों इनके साथ ही कुछ ऐसा ही हुआ है। ऐसा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ दोस्तों, इन्होंने क्या गलती है जिसकी वजह से इनका चैनल डिलीट होने की कगार पर आ गया दोस्तों 1 दिन में। दोस्तों ये सब बातें आपको बताऊंगा, ये सब चीजें आपको बताऊंगा दोस्तों। उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त मुकेश और आपका स्वागत करता हूं टेक हेल्पिंग मुकेश में। दोस्तों हुआ क्या है, उन्होंने कुछ ऐसी गलती की जिस गलती की वजह से उनका चैनल मोनेटाइज होने के 1 दिन के बाद ही डीमोनेटाइज हो गया और डिलीट होने की कगार पर आ गया है। ये सब चीजें आपको ले जाके बताऊंगा हमारे मोबाइल स्क्रीन पर उन्होंने क्या गलती की है, और ऐसी गलती आप फिर कभी मत करना। आप अगर नए यूट्यूबर है तो आप कभी ऐसी गलती मत करना। आपको ले चलता हूं मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों आपको साइड में स्क्रीन शो हो रही होगी, स्क्रीन पे आपको सीधा मैं ले चलता हूँ उनके चैनल पे। दोस्तों उनका चैनल का नाम है गरीब एमएस गेमिंग। दोस्तों वो गेमिंग पे वीडियो बनाते हैं, गेमिंग प्लस कॉमेडी पे। दोस्तों अब मैं उनके अबाउट सेक्शन में ले जाके आपको बताऊंगा कि उनका चैनल कब स्टार्ट किया उन्होंने। उन्होंने चैनल जो अपना स्टार्ट किया वो 4 जनवरी 2022 को। दोस्तों नॉर्मली 10 महीने हो गए, 10 महीने की कड़ी मेहनत के बाद में उन्होंने अपना चैनल मोनेटाइज करवाया। दोस्तों आज से 7 दिन पहले अपने चैनल मोनेटाइज के लिए उन्होंने अप्लाई किया था और उनका चैनल मोनेटाइज भी हो गया था। उसके बाद में दोस्तों 3 दिन पहले उनका चैनल मोनेटाइज हो गया, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक ऐसी गलती कर दी जिस गलती की वजह से उनका चैनल डीमोनेटाइज हो गया और चैनल डिलीट होने की कगार पर आ गया। दोस्तों गलती क्या क्या आपको बता देता हूँ। दोस्तों उन्होंने 1 दिन के बाद में एक वीडियो अपलोड किया था, जो वीडियो नॉर्मली तो गेमिंग का था, लेकिन उसमें थंबनेल कुछ ऐसा लगाया जिसकी वजह से उनका चैनल डीमोनेटाइज हो गया। दोस्तों क्या थंबनेल लगाया था, उन्होंने अपना जो वीडियो था वो उसको डिलीट कर दिया, पर जो थंबनेल लगाया था वो आपको बता देता हूँ। उन्होंने एक लड़की का फोटो था जिसमें शर्ट ऊंचा किया हुआ और यहाँ पर 2 चीरे लगे हुए, इसमें आप समझते होंगे किडनी निकाल के जो जिस पर होता है। उन्होंने अपना थंबनेल लगाया था कि iPhone 14 Max के लिए दोनों किडनियां बेचनी पड़ी, इस प्रकार का थंबनेल। और इस प्रकार का थंबनेल जो होता है वो यूट्यूब अलाउ नहीं करता है क्योंकि ये सेंसिटिव चीज है, हार्मफुल चीज है। दोस्तों यूट्यूब क्या मानता है, अगर आप सेंसिटिव और हार्मफुल चीजें अपने कंटेंट में यूज करते हैं या अपने कंटेंट में आप थंबनेल में बताते हैं तो वो ऑडियंस के लिए हार्मफुल मानता है, इस चीज को अलाउ नहीं करता है यूट्यूब। तो दोस्तों ऐसी चीजें उन्होंने इस प्रकार का थंबनेल बनाया जिसकी वजह से उनका चैनल जो है वो डीमोनिटाइज हो गया। अब दोस्तों कितना बुरा लगेगा, आप 1 साल की मेहनत के बाद में अगर आप चैनल मोनिटाइज करवाते हैं और 1 दिन में आपका चैनल डीमोनिटाइज हो जाए, तो ऐसी गलती दोस्तों आप फिर कभी मत करिएगा क्योंकि ऐसी गलती से आपका चैनल पूरा डिलीट हो सकता है, उनका चैनल भी डिलीट होने की कगार पर आ गया। दोस्तों जो गलती इन भाई ने की, इनका नाम है मुकेश सहनी जो गेमिंग पे वीडियो बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों तो इस प्रकार की गलती, अभी तो उन्होंने ये वीडियो डिलीट मार दिया है। अगर आप न्यू यूट्यूबर है तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि इस प्रकार की गलती आप ना करें, क्योंकि एक गलती की वजह से चैनल पर जितने भी आपने मेहनत की है उस मेहनत पे पानी फिर सकता है। दोस्तों तो आप इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट वीडियो था आपके लिए बनाना बहुत जरूरी था दोस्तों, जो मैंने आपके लिए बनाया। दोस्तों अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन का बटन दबाकर सेलेक्ट ऑल कर लें, जिससे आने वाला ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। दोस्तों क्योंकि हम हमेशा आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आते रहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।